यूं तो कि मैं गलत परेशान हूँ ये तो बोल पड़ क्या मिनट होगी बंद कर दे। हाँ आ गया भाई याद आ गया याद आ गया याद पिछली साल रोज़ सही हाँ बंद कर दे रहो मैं बीच में देख लियो क्या क्या होगी रिया नू पूछ ली सबसे ज़्यादा क्या पसंद है किस्ती मन है खाना और सोना हाँ नू पूछ ले नू दे देंगे ना तो दो तो बेस्ट प्लेयर है मनीषा बुरे बाटे का बेस्ट रेडर कौन है हरियाणा में कर दे बंद राम राम भाई सारे भाई मैं आपका भाई राहुल बुरा गोगड़िया राहुल कबड्डी चैनल देखने वाले सारे भाइयों का स्वागत है। आज आप हरियाणा प्रदेश की सुपरस्टार खिलाड़ी के साथ मनीषा बुरे बाडे के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। किस तरह इस खिलाड़ी ने कबड्डी की शुरुआत करी, कबड्डी का सफ़र कैसा रहा, तो इसके साथ आपकी मुलाकात है। तो पलवन जी एक बार राम राम करो। राम राम सर। तो एक बार नाम पता गाँव गुआंड एक बार आपका बताइए। नाम मनीषा, गाँव बुरे बाडे, हिसार डिस्ट्रिक्ट। क्वालिफिकेशन पढ़ाई कहाँ तक करी है और क्या जन्म का है मतलब ये बताओ। पढ़ाई बीए कर ली भाई, बी पेड करूँ रोहतक तक। जन्म 14/9/2000। घर में कौन कौन है? घर में भाई दादा दादी मम्मी पापा भाई बेबी। अच्छा अच्छा। तो पहलवान कबड्डी की साइड किस तरह है, मतलब गेम तो आपने हरियाणा में और भी बहुत हुआ है, अकेले की भी गेम है, तो आपने कबड्डी क्यों चुना, मतलब किस कैसे इसकी साइड आई कबड्डी? गाँव में पहला छोरे खेला कर दे, शुरू में तो इतना बेरा कौन था कि गेम के बारे में हंडन फिर बिक जाया कर दी, फिर गाँव में और छोरे खेला कर दे, उन्हें देख देख के माँ भी खेलने लगे, फिर इंटरेस्ट सा बनने लग गया, फिर जिद करके लगे खेलने में। अच्छा अच्छा। और भी गेम हो उनकी साइड क्यों नहीं गई भाई, जैसे रेसलिंग होगी, ये रेस का हो गया खेल, और भी उतरे हुए हैं भाई। शुरू में गाँव में कबड्डी का ही रुझान था। अच्छा। तो इस करके कबड्डी खेलने लगे और गेम की इतनी नॉलेज सी कौन थी इस टाइम पर। अच्छा अच्छा। तो कहाँ तक शुरुआत करी, कौन सा सन में शुरुआत करती थी आपने? शुरुआत भाई गाँव में ही कर रही थी, 8-9 साल हो गए भाई। अच्छा अच्छा। हाँ। 8-9 साल गेम करते हाँ। तो बाहर कब गए थे, कब पहली बार कब बेस्ट आए थे, कब बाहर गए थे? पहले तो ये बता दो बाहर कब गए थे खेलने, गाँव तक बाहर कब गए थे? गाँव तक बाहर तो भाई मतलब थोड़े दिन हुए थे खेल देने, जदे बिक गए थे। गांव की पूरी टीम के साथ शुरुआत करी? गांव की टीम के साथ करी थी शुरुआत। हाँ। तो गांव की टीम भरी फिर आपने? हाँ। कित भरी थी भाई, गांव का नाम तो ध्यान को नहीं, बाकी गांव गुआंड में ही खेलते शुरू में जो दे गए थे। अच्छा अच्छा। तो एक सवाल हमेशा उठता रहा लड़कियाँ यहाँ पे, बाकी लड़की घर तक बाहर निकालना तो मतलब डर भी रहा है कि अपना घर क्या ना, तो इस बात तक कदे घर क्या ना आप रोके नहीं? ना भाई कदे कौन रोके, बहुत सपोर्ट करी घर क्या ने, जमा फुल सपोर्ट, कदे मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा इतनी सपोर्ट करी मेरे घर क्या ने। गांव ने भी फुल सपोर्ट करी है भाई, जमा सबकी फुल सपोर्ट थी। अच्छा। फिर किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट करी घर में? पूरी फैमिली ने भाई, जमा सारी भाई। अगर माँ तो गया अगर घर का काम कर ले ना ना कदे को नहीं कही भाई, काम ना ना मम्मी पापा ने भी दादा ने भी फुल जमा भाई बेबी ने सब ने जमा फुल सपोर्ट करी। अच्छा अच्छा। फिर बेस्ट पहली बार कराया? बेस्ट भाई बहुत जगह ली भाई, बेस्ट तो पहली बार तो भाई राजा साहिब आई थी। राजा साहिब पंजाब? हाँ पंजाब में। हाँ। थोड़ा किया था बेस्ट का थोड़ा, 31,000 थी भाई बेस्ट की। 31,000। हाँ। किसकी टीम में खेल लो थे जब बेस्ट आई? जब मतलोडे की टीम में खेल लो थे भाई। मतलोडा टीम? हाँ। तो फिर गांव की टीम क्यों छोड़ी, मतलब बस गांव की या टीम में तक खेलने वाले कट गए थे? अट गए थे भाई सारे बालक, मतलब कि एकली रह गई। हाँ एकली रह गई थी भाई। अच्छा। फिर एकली ना जुकर सपोर्ट किस ना करे, मतलोडा टीम ने भी खेले हो आप कई दिन, बबुआ टीम में भी खेले हो, और भी टीम में बहुत सारी में खेले, कौन सी टीम ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट भाई? सारी टीम हम जिसमें खेली ना सबने खूब सपोर्ट करे हैं, बबुआ ने भी मतलोडा ने भी, सारे जिस टीम में खेली ना सारे ने खूब सपोर्ट करे भाई। पहले तो ये बताओ बेस्ट कितनी बार रहे आप? बहुत बार रही भाई बेस्ट तो। अच्छा। तो के जीते बेस्ट का तौर पर भाई? LCD, RO, जूसर और कैश प्राइज बहुत जीते भाई। अच्छा अच्छा। मतलब कद सी नू गया था मनीषा बुरे बाडे एक बहुत तगड़ी प्लेयर बनी सी, कद सी नू लगने लग गया था भाई नू तो गाँव में प्रैक्टिस कराया करते, जो बढ़िया प्रैक्टिस होया करती भाई। अच्छा अच्छा। कौन गुरु कौन है बैठे गुरु जी कुंभत है। अच्छा अच्छा कुंभल है। हाँ ईब काम प्रैक्टिस करो। ईब तो भाई सार करूँ। ईब जो लीग एक बहुत बड़ी हरियाणा प्रदेश में लीग होने जा रही है, उस लीग के बारे में आपका क्या राय है? मतलब कई तो नूबी कवां भाई या लीग ट्रायल ट्रायल होएगी या फैल हाग मैच को नहीं होंगे, कई नूबी कवां या लीग सही होएगी और इनाम भी पूरे दिए जाएंगे। क्या कहना है इसका बारे में? भाई नू तो किसके बारे में किसका सारा ढल की दुनिया है। अच्छा भी बताओगे माड़ा भी बताओगे। फिर नू जिस तरह भाई और काम करने लग रहे सतविंदर भाई और जो बढ़िया बढ़िया तरिया मैनेजमेंट करके भाई होनी चाहिए लीग तो कराओगे भाई। अच्छा तो एक बात हो रहा है सब तक खिलाड़ियों की कमी मांग, खिलाड़ियों की कमी मानूंगा मैं। आप इस बात में तारी कमी मानूंगा जो कर कड़ियाँ खेलन भी गए इनाम लिख रखे 2 लाख और मिले तो हमने 11,000। हाँ। या तारी कमी है की कमी है किसकी कमी है? आज यह बात खोल कर बता दी भाई। इस बात में भी सभी की कमी ले ले, खिलाड़िया की भी भाई, कमेटी वाले की भी हो है, कोचा की भी सभी की हो है। फिर तो हम कमेटी ने नू बोलो ना भाई जे इनाम इतना लिखोगे तो मम तो इतना ही भाई बेरा है। कमेटी वाले नू कहता नहीं मम इतना इनाम है तो मम ने इतना इनाम दो, नू कह देता हमें नहीं आंदे तो टीम ने बुला लेंगे बुला लो कौन सी। फिर भाई छोरिया का इक्का तो कौन नहीं, सारे यही बात कह दे है मामी बिक जाएंगे 5100 में छोरी नू कह दे मामी खेल आऊंगी। ये कोई नू तो कौन सोचता वे इनाम सही होना चाहिए कि आड़ तुड़ान लग रही है नू। अच्छा अच्छा गरीब जो इस लीग में बुल फोन जीत सका तेरे उसका भाई देखो भी जो बढ़िया मेहनत करेगा वो जीतेगा। हाँ ये तो टाइम है बहुत है। बेस्ट रेडर तेरा छोरिया में कौन है? छोरिया में बेस्ट रेडर तो भाई सारे बेस्ट है भाई, एक से है सारे। प्रदेश में कबड्डी में यार दोस्त कौन कौन है छोरिया में जो बढ़िया यार हो? मतलब नो भाई सारे यार हम इकट्ठे ही रहे जहाँ खेलना मजा आता। एक तो दीपक नाड़ा भाई। अच्छा आशा बबुआ। अच्छा ये तो उरा खड़ियों का तो ज़्यादा नाम ना भाई। अच्छा तो एक बात जो गरीब फिलहाल में कौन सी टीम में खेल लो आप? ज़्यादा कौन सी टीम में मैच में खेल? ईब तो बबू की टीम में खेल लूँ भाई। अच्छा अच्छा तो मैच आज का टीम में किस गल्ला खेल दो मज़ा आवा है? टक्कर की कौन सी टीम में गल्ला आवा मज़ा? भाई टक्कर की तो मतलब की टीम में है। अच्छा अच्छा बढ़िया मैच लगा जो मज़ा भी आओ खेल दिया। अच्छा एक बात है जो कर एक से कोना पे तो मनीषा मेरी बर्थडे, दूसरा कोना पे ऐसी कौन सी स्टॉक होनी चाहिए जो दूसरा कोना पे खड़ी हो? आप दोनों मतलब सही सेट बन जर सही कैच लगाए जाओ, कौन सी स्टॉक रही आप सेट? भाई तो मतलब ज़्यादा तो मैं दीपक गल्ला खेली हूँ भाई, बढ़िया सेट बना दीपक गल्ला। बाकी ईब खेलूँ बोबो की टीम में, आशा गल्ला बढ़िया सेट बना। अच्छा एक क्वेश्चन और है, नेशनल लेवल कितनी बार खेली है? 2 बार खेली हूँ भाई। अच्छा। सीनियर नेशनल। अच्छा अच्छा उसमें क्या कुछ है? उसमें गोल्ड है भाई दोनों बार। हाँ दोनों बार। फाइनल किस गल्ला आया? पंजाब गल्ला। पंजाब गल्ला। तो एक बात हो रहा है हरियाणा पंजाब के आपने बहुत सारे मुकाबले खेले हैं, तो ईशा कोई मैच बताओ जो यादगार हो मनीषा बुरे बर्थडे का याद हो? भाई मनीषा बुरे बर्थडे ने मैच हरियाणा की टीम आ रही थी जिता दिया भाई। पिछली साल राजा सही मैच थे पंजाब में और हाँ बेस्ट भी आई थी और जमा बढ़िया मैच लग गया था भाई और मैंने 4-5 कैच मारी थी। हाँ। सारी मतलब बढ़िया जमा बढ़िया मैच लग गया था भाई। फिर गांव की टीम क्यों नहीं बढ़ती? गांव की टीम भाई कोई छोरी कम खेल दी गाँव में, पहला खेलिया कर दी फिर सारी छोड़ गई भाई। तो सारी छोड़न का रीजन मतलब +2 तक तो पहला सारी गाँव में रहा कर दी, गाँव में प्रैक्टिस कराया कर दी, कोच रहा करता। फिर सारी बैर कोई भाई गाँव में पहला तो मतलब सर्कल कबड्डी तेल गुरु जी खिलाया कर दे नू गाँव के बहुत है भाई। अच्छा अच्छा हाँ कई ये खिलाया कर दे। चलो छोड़न का रीजन बताओ क्यों छोड़ दिया? बस नू +2 होगा भाई सारी छोरी कोई क्या कोर्स करने लगी, कोई क्या करने लगी, बैर रहने लगी, गाँव में कौन रहा कर दी इस करके ने। पढ़ाई में तो भी सीधी पढ़ाई में ठीक है भाई, पढ़ाई में तो काम चल रहा है। अच्छा फिर इस कारण मतलब पढ़ाई में बेस्ट नहीं हुई तो खेल में आ गई। हाँ भाई तो आज तक पब्लिक का दर्शकों का सबसे ज़्यादा प्यार कड़ा मिला है भाई, दर्शकों ने मतलब बहुत सारा प्यार दिया भाई और मनीषा बुरे बर्थडे ने बहुत अच्छा मैच खेलिया, दर्शकों ने भी बहुत प्यार दिया भाई। इनू तो जड़ा जावा सारे मिला है दर्शकों का तो जमा बढ़िया सपोर्ट करे सारे दर्शक 10वें महीने में वीरण मैच थे भाई, हमारा गांव की साइड है। और भाई जमा मतलब दर्शकों ने फुल सपोर्ट करी थी और मैंने 5 कैच मारी थी मैच में। हरियाणा पंजाब कौन था भाई, मतलब डगर बब्बू का मैच था। अच्छा, हाँ जमा बढ़िया मैच लग गया था भाई और दर्शकों ने फुल सपोर्ट करी थी। अच्छा अच्छा, आज तक सबसे ज़्यादा रुपये कब जीत कर लगी है, कितने रुपये लेगी कब तो छोड़े? रुपये तो भाई और बेस्ट आई थी और मिले थे 31,000। 31,000 सबसे ज़्यादा। हाँ, बाकी मिक्सर कितने जीत लिया आपने? मिक्सर 2-3 मिक्सी जीत ली भाई, एक एलईडी, एक आरओ और कैश प्राइज। अच्छा, और कैश प्राइज जीतते रहे। हाँ, हरियाणा प्रदेश में जो करीब आप 2 बार नेशनल भी खेल चुके हैं, तो सरकार के सपोर्ट कर रही है कि ना कर रही है? इन गुडिया ने जो करीब अपनी बेबे राम बतेरी 20 समय वाली यूएसए गई है, उसकी क्यों जॉब नहीं मिली हरियाणा में? इंडिया में जॉब नहीं मिली तो यूएसए जाना पड़े उसके बिना। तो सरकार के प्रति आपका क्या राय है? भाई सही बताऊं तो नहीं, सरकार जमा भी सपोर्ट कौन मिल रहा है हमने सरकार का। सर्कल कबड्डी में जमा बिल्कुल भी सपोर्ट कौन कर दी सरकार। हमें 2 बार नेशनल खेला है, लगना हमारी कुछ स्कॉलरशिप मिली है ना हमारी ग्रेजुएशन होगी भाई, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा सरकार की तरफ से। तो बाकी करना चाहिए खिलाड़ियों ने, मतलब खिलाड़ियों ने आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। अगर ना किसी ने जॉब देंगे, अगर जॉब देते तो मामने देख के और प्लेयर खेल लगे। बिल्कुल बिल्कुल, फिर मामने मतलब मारता जो सीनियर प्लेयर थे उन्हें जॉब कौन मिल रही भाई, देश छोड़ छोड़ के जाने लग रही भाई, फिर और कौन खेलना शुरू करेगा। तो एक बात है, जो गरीब आप नेशनल खेल रहे, ये सर्टिफिकेट कितने काम आया है? इबे तक तो कितने को नहीं आया है भाई। आप नकड़ियाँ मतलब फार्म भरे हो कोई जॉब खातिर सरकार ना? इबे तक तो ग्रेडेशन है कौन बड़ी भाई, ग्रेडेशन बढ़ेगी जब जाके कुछ काम आओगे। अच्छा अच्छा, मेहनत के करो आज का टाइम जो करे के मेहनत के डाइट लिया करो भाई। मेहनत तो सवेरे शाम दोनों टाइम करो। हाँ हाँ, 2-2.5 घंटे सवेरे, 2-2.5 घंटे शाम में। मतलब ईद बीते ना भाई, ईद तो इशार कराया करो स्टेडियम में प्रैक्टिस। अकेली ना अकेली कौन करा करो, रोहित सैनी कोच है उसका अंडर में करा करो। अच्छा अच्छा, अरे के डाइट के ले हो? डाइट तो भाई बस घर की अपने रोटी सब्जी दूध की, जो प्रोटीन मिली अगर कबड्डी में प्रोटीन ना भाई। प्रोटीन लाले सेहत के लिए हानिकारक नहीं होता, एक खिलाड़ी ने लेना भी चाहिए। नो भाई प्रोटीन तो कौन ही लिया करती, प्रोटीन तो बनाया सदा खा ले भाई वो तो है। अच्छा, के खाओ फिर? उसनों भाई पनीर दूध दही हो जाए। अच्छा अच्छा ना, तो दोस्त आपकी दीपक नाड़ा है सबसे बेस्ट आपने बताया था। हाँ, तो उसकी फील्ड में भाई। हाँ कबड्डी फील्ड में, तो उसकी एक अच्छी बात होता भाई अच्छी तो सही भाई, दिल की साफ लड़ी सॉरी लल ठीक है। हाँ, जो भी बात हो मतलब हाँ मुँह पर कह दे किसी का कि मैं बात हो अच्छी हो बुरी हो, मुँह पर कह दे। एक बुरी बात तो भाई बोल लगनी है, नू कौन देख दी किन्ने बोलना है किन्ने नहीं, जमा नू कौन सोती बड़ा है छोटा है, बस मुँह पर कह दे कि मैं भी हो चाहिए। अच्छा अच्छा, या बुरी हो। और है तो खान में आपने क्या पसंद? खान में भाई सारा सुधा पसंद है, खाने का तो कि मिले हो चाहिए ना, फिर भी जो करे जवाब मिली हो भाई तो और भी खाने में मज़ा आवा। कि पनीर की सब्जी और जो करे कड़िया ही होटल में खाना खुना तो ले रहा है, इतना खाना भी पड़ गया है खिलाड़ी आदमी हो, तो होटल में के बनवाओ? शाही पनीर की सब्जी सबसे बेस्ट। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद।